हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और तारीख है 7 अक्टूबर। तो आज है जितिया पूजा। तो फिर मैं यहाँ पर लिपाई पोताई की काम करने लगी हूँ, क्योंकि होटल की काम हुआ उसके बाद मैं लिपाई पोताई में ही लगी हूँ। उसके बाद मैं नहाऊँगी और नहा धो करके पूजा के लिए तैयार होंगी। तो यहाँ पर पहले हम लिपाई कर लेते हैं, क्योंकि पूजा उजा होता है तो फिर चूल्हे के पास थोड़ा साफ़ सफाई ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं लिपने पोतने लगी हूँ, पूरे रूम को लिपाई करूँगी, दोनों रूम को और ये सेल्फ को। तो मैं लग गई हूँ, जैसे ही ख़त्म हुआ होटल की काम वैसे ही मैं लगी हूँ लिपाई पोताई में। और अभी मैं जल्दी से लिपाई पोताई करूँगी। बोल रहे थे कि 3 बजे से पूजा है, 6 बजे तक करनी है। तो फिर हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं। और स्कूल से आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन वो लोग आए नहीं हैं। और जल्दी से ही आज हम लगे थे होटल के काम में, तो जल्दी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई और लिपाई पोताई में। तो ये काम ऐसे रोज़ होता है, लेकिन भी क्या करें, रोज़ दिन करना ही पड़ता है। और नहीं करेंगे फिर भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, कितनों भी अच्छा हम दिखाने की कोशिश करते हैं ना, लाइट नहीं रहता है तो काला काला सा दिखता है हमारा घर, क्योंकि हम गोबर से लिपते हैं। फिर दीवार भी कलर नहीं किया हुआ है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है दोस्तों। और लाइट भी हमारा ना ठीक टाइम में चल जाता है। तो हम अंदर की लिपाई कर ली है, दोनों रूम की और सेल्फ की, जहाँ पर हम खाना पीना बनाते हैं। तो अभी हम आंगन को भी झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा लिपाई कर देंगे, क्योंकि घर दरवाज़ा लिपाई पोताई होकर साफ़ सुथरा लगता है ना। तो फिर नहाने धोने में चाहे कोई पूजा पाठ करने में बहुत सुंदर लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर लिपाई कर दी हूँ, अब मैं आंगन की लिपाई करती हूँ। अभी रोहन के पापा सब ये लोग होटल पर हैं, और थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, उनके आने तक थोड़ा बहुत सूख जाएगा। नहीं तो वो लोग ना, जब हम लिपाई करते हैं तो बाहर अंदर होता है, तो उसके वजह से फिर ख़राब भी हो जाता है। तो फिर उनके आने से पहले हम लिपाई कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, जब लग जाओ काम में तो फिर काम कम ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। और आज भी उपवास है, आज दिन भर फिर रात में रात भर। तो इस तरह से होता है जितिया उपवास, जो करते होंगे वो तो ज़रूर जानते होंगे कैसे जितिया की जाती है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जितने भी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता हमारा वीडियो। और बहुत से फ्रेंड्स ना कल वाले वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, और बहुत पहले वाला वीडियो में बोल रहे हैं कि आप मेकअप नहीं करते हो, मेकअप किया करो। तो आप लोगों को कहना सही है, लेकिन गांव में ना मेकअप करके रहो तो फिर लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं कि फलना की बोहरिया इस टाइप की रहती है, वैसा रहती है, मोबाइल पकड़ती है, मोबाइल में देख देख ऐसा होती है, वैसा होती है, ऐसा बोलने लगते हैं। इसलिए मेकअप भी करना अच्छा बात नहीं है गांव पर। और मैं कभी भी वैसे मेकअप उकअप करके नहीं रही हूँ, तो अचानक से मेकअप करके रहने लगूँगी तो फिर लोग भी कुछ अलग सोचने लगेंगे। तो लिपाई पुताई होने के बाद देखिए ये साड़ी है, आज मैं इसी को पहनूंगी और पूजा करूंगी। साड़ी मैं ख़रीद के लाई हूँ सोमवार को, तो दिन हमारे लिए नहीं मिला क्योंकि साफ सफाई में ही लगे थे रोज़ दिन। तो फिर उसके वजह से इसका ब्लाउज को सिलने नहीं पाए हैं, तो हम दूसरा ब्लाउज से पहन लेंगे। अरे यहाँ पर जितने, तो फ्रेंड्स अभी हम नहा धो लिए हैं, अभी हम पूजा करेंगे। अभी शाम के लगभग 4 बजे, 4:30 बजे हुए हैं, तो 6 बजे तक पूजा करनी है। अभी मैं घर पर ही पूजा कर रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं अभी जल्दी से जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी जिंदर उंदर कुछ नहीं डाली हूँ, तो अभी मैं तैयार होती हूँ फटाक से, फिर पूजा करने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं नहाई थी तो बाल गीला था, तो मैं बाल को कंघी नहीं की हूँ, बस सिंदूर भर ली हूँ मांग पर और चूड़ी उड़ी पहन ली और ये चुन्नी ले ली हूँ शादी वाला। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो हम ज़मीन पर ही पूजा करेंगे दोस्तों, क्योंकि पूजा कभी भी हम करते हैं तो ज़मीन पर ही करते हैं, कुछ कपड़े उपड़े बिछाते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम पूजा करने बैठ गए हैं, और पूजा पाठ अभी मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे उधर देखने के लिए। लेकिन आप लोगों को सैर नहीं किए हैं जहाँ पर हम देखने गए थे।
पूजा हो गई थी उसके बाद हम रोहनी रोहन रोशनी सभी को मिल के गए थे पूजा देखने के लिए। और आप लोगों से हम सुबह मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सुबह के टाइम है, सुबह में आज मैं 3 बजे ही उठ गई हूँ। पंडित जी बोले थे कि सुबह 3 बजे से पारण का काम शुरू होगा, तो पारण हो जाएगा उसके बाद खाना पीना बनता है। तो देखिए अभी बहुत अंधेरा है और बच्चे भी नहीं उठे इस टाइम में, और रोहन उठ गया था मेरा साथ, लेकिन रोहन अंदर पर है अपने चांदनी दीदी के साथ में। तो मैं कट कर ली थी, आज 12 बीरी वाला सब्जी बनता है, तो सभी सब्जियां हम कट कर लिए थे। और ज़्यादा हम नहीं बना रहे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो फिर बच जाता है, कोई खाता भी नहीं है, तो इसलिए हम एक एक चीज़ ले लिए थे। 12 सब्जियां हम पुरा लिए थे, उसके बाद हम उसी को कट कर लिए हैं और सब्जी धो धा करके ले आए हैं और चना डाले हैं प्याज भूंज करके। और यहाँ पर हम अभी सभी सब्जियां डाल दिए हैं, इसको अच्छे से भूंज लेंगे और हल्का सा मसाला डालेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हम नमक डाल दिए थे और इसको अच्छे से भूंजेंगे, ढक करके पकाएंगे कुछ देर तक। और यहाँ पर हम खाना चढ़ा दिया, आज माड़ भात दिया जाता है, तो फिर माड़ भात हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी खाना बन रही है और साइड में सब्जी। तो देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार है, बस खाना बनने की इंतज़ार है, उसके बाद हम खाना पीना मतलब चढ़ाते हैं भगवान को। और ये देखिए ये दूध गर्म हम कर रहे थे, तो दूध सुबह सुबह हम 1 केजी मंगवाए थे, इसी से हम सभी को थोड़ी सी चाय बनाए थे और ये रबड़ी टाइप का हम बना दिए थे सभी के लिए। फिर देखिए थोड़ी देरी के बाद हम यहाँ पर खाना उना खा लिए थे, फिर सभी को प्रसाद बांटने के लिए। तो सुबह सुबह किसी को प्रसाद देंगे तो वो लोग भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं भूखी थी तो मैं सुबह जल्दी काम निपटाई, उसके बाद खा पी ली थी। फिर उसके बाद हम सब्जी कट कर रहे हैं, अभी जितने भी हमारे पास पड़ोस है सभी को देंगे सब्जी सॉरी प्रसादी, क्योंकि वो लोग भी हमारे लिए ला देते हैं। और कोई भी प्रसादी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम बांट के खाते हैं अगल बगल में पास पड़ोस में। तो अभी हम सभी के लिए कट करके निकालेंगे, दोना सील करके जो सखुआ का पत्ते ले आए हैं तो उनको हम अभी सिलाई करेंगे और सबके लिए हम पहुँचवा देंगे या तो पहुँचा देंगे। और सुबह से मेरे यहाँ 2 जन का प्रसादी आ चुका है, क्योंकि सूरज निकलने से पहले ही काम हो जाती है, मतलब पूजा हो जाती है सुबह की, तो सबको जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। और मैं भी अभी पहुँचा दूँगी, 2 जन ला दिए हैं मेरे लिए और सबके लिए हम भी पहुँचा देंगे। और उसके बाद देखिए कुछ देरी तक सभी खा पी लिए थे, दीदी लोग भी खा पी ली थी, फिर आई थी हमारे घर पर। तो यहाँ पर सब कोई बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, क्योंकि पूरे परिवार मिल जाओ तो फिर थोड़ी सी बातचीत होती है, फिर हंसी मजाक भी होती है। तो यहाँ पर हम लोग सभी कोई बैठे थे, बाबू को सुला दिए हैं बोरा पर, सभी पूजा उजा करके खाना उना खा लिए हैं, फिर प्रसादी सभी को बांट दिए और खुद भी खाए, सभी को खिलाए, गड़न उड़न सभी को दे दिए। उसके बाद में थोड़ा सा सोने के लिए आई हूँ बिछौने पर, क्योंकि खाना खाई अचानक से तो फिर भूख तो मिट गया लेकिन नींद आ रही है, क्योंकि खाना 2-3 दिन नहीं खाए थे ठीक से, ठीक से क्या उपवास था, तो फिर कल दिन भर फिर रात भर कुछ नहीं खाए थे, तो अभी अचानक से खाए खाना तो थोड़ा नींद आ रही है। हल्ला नहीं करो। और बाबू कहाँ गया? और रोहनी बच्चे खेल रहे हैं बाहर पर, ये लोगों को सो जा थोड़ा देर भी कहेंगे ना तो ये सोते नहीं। अभी जा रही है बड़ी मम्मी घर ना? नहीं जाएगी। कहाँ जा रही है? पर्दा ठीक कर रखो, पर्दा को ठीक करके जाओ, सही कर लो बढ़िया से। अब बाबू को देखना, धूप में नहीं घूमने देना, हम थोड़ा सा सो रहे हैं ना, और बाबू सो ले खोजेगा तो भेज देना। मम्मी सो रही है बोलना ना, मम्मी सोने बुलाई है बोलना, किधर खेल रहा होगा वो धूप में, रोड है या धूप है, तो इसके वजह से हमको थोड़ा डर भी लगता है। हम दिन भर देखते रहते हैं बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अभी रोहन के पापा उस रूम पर है तो फिर वो ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सोने के लिए आए हैं, और आएंगे तो वो ले करके आएंगे। और बच्चे कभी कभी जिद भी होते हैं, अगर बोलेंगे कि सो जाओ लेकिन वो सोते नहीं हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा खाना पीना खाने के बाद, तो फिर मैं सोचती थोड़ा आराम कर लो। हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है, आज सो जाते हैं थोड़ा देरी ना।
आज स्कूल भी छुट्टी है बच्चों का, आज रविवार का दिन है तो फिर स्कूल भी नहीं जाएंगे, दिन भर खेलते कूदते रहेंगे। आ जाओ आप, दरवाजा बंद करते आना ना बाबू, आ जाओ रोड में नहीं खेलना बेटा। हाँ रोड में नहीं आएगा सोने। सोने आएगा रे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कुछ और वीडियो लेकर के, क्योंकि रात में ना मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट अच्छा से नहीं कर पाती हूँ, रात में हमारी प्रॉब्लम हो जाती है लाइट की, और उस रूम में तो अंधेरा सा लगता है, लाइट रहता है फिर भी, तो हमको लाइट चेंज करना पड़ेगा, लाइट भी रहता है फिर भी अंधेरा अंधेरा सा महसूस होता है सब जगह देखने में, लाइट थोड़ी कम हो गई है, और यहाँ का तो ठीक है, यहाँ का दोनों रूम का, यहाँ लाइट नहीं डाले हैं, वो वाला रूम में डाले हैं सोएगा लाइट, तो उसमें ठीक है, बस उस रूम में जहाँ पर खाना वाना बनता है वहाँ पर लाइट की थोड़ी कमज़ोर हो गई है कैसे, शायद थोड़ा थोड़ा दिन पहले कम बेसी हो रहा था वोल्टेज। हाँ इधर है बेटा, पूछ रहा है कहाँ है मैं। हाँ नहीं देखा हमको, बाजा। ओ रोहन का बाजा इधर है, रोहन का बाजा, देखिए रोहन का बाजा, लो बाजा बजाएगा, लो लो लो, पैर में नहीं गिराना तो लग जाएगा, लो आ रहा है ऊपर, आ जाओ नहीं नहीं गिरना है, ठीक से चढ़ना। हाय बोलो। हाय। रोहन नहा धो लिया है और काजर पाउडर लगा लिया है, आज खाना अति खाया ना, प्रसादी खाया ना, खाया कि नहीं। हाय दोस्तों बोलो, ऐसे कर दो, हाय दोस्तों बोलो, इधर देखो ना, देखो ना इधर, तुमको अच्छा बच्चा बोलते हैं बहुत फ्रेंड्स। हाय दोस्तों बोलो, दोस्तों ना पगला जैसे बात करता है, कैसे दोस्तों, आइए प्रसादी खाने बोलो, आइए प्रसादी खाने, रात में पूजा देखने गए थे दोस्तों बोलो, रात में पूजा देखने गए थे दोस्तों, हाथ में बंधा है ना बेटा तुम, मौली धागा बांध रहे थे पंडित जी, तो जब इसको हम बंधवाने के लिए गए तो उनके पास ख़त्म हो चुका था रस्ती, तो फिर नहीं बंधवा पाए, और रोहन को अभी नहला धुला के फिर थोड़ा देरी सोने बोलेंगे, आज धूप है बहुत अच्छी, धूप के वजह से ना थोड़ा और भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, बजाएगा बाजा को घुमा घुमा के बजाएगा, ये बजा बजाने जा रहा है, देखना पैर में नहीं गिराना तो जोर से लगेगा। हाँ और धूप में नहीं जाना और रोड में नहीं जाना, हाँ यही जो खेलना है यहाँ यहाँ पर, हाँ और नींद लगेगा तो आ जाना, हम यहीं पर रहेंगे, और पापा उस घर पर है ना, हाँ कर रहा है तो किसे जानेंगे, उसका दोस्त आया है तो प्रसादी दे रहा होगा उसको, नहीं जा, जा रोहन जा रहा है, नहीं जाना बेटा उधर धूप तरफ, हाँ यहाँ पर बैठ के बजाना, दिशुक दिशुक करना, गाना गाना हम सुनेंगे, हाँ तो रोहन बाजा बजाने जा रहा है, जाओ तो रोहन जा रहा है खेलने, अब मैं हम सोते हैं और वीडियो आप लोग को अभी मैं भेजती हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।